टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट आ चुकी है जिसका इंतजार आप सभी को ही रहता है। ये टॉप के फीमेल सेलिब्रिटीज हैं, टॉप 10 में आपको इस लिस्ट में बताऊंगा और एक एक पर आपके फेवरेट फीमेल सेलिब्रिटीज पर चर्चा भी करेंगे थोड़ी थोड़ी। तो इसमें आपके फेवरेट फीमेल सेलिब्रिटीज हैं जहां पर आपके तेजस्वी प्रकाश से लेकर सुमुल तौकीर खान का नाम है, आयशा सिंह से लेकर प्रियंका चहल चौधरी, मनारा चोपड़ा, जिया शंकर, मनीषा रानी, देखिए हर कोई आपका फेवरेट इस लिस्ट में है। लेकिन टॉप 10 की ये लिस्ट है तो बहुत सारे फीमेल सेलिब्रिटीज नहीं भी होंगी। लेकिन टॉप 10, इस हफ्ते के टॉप 10 की बात करते हैं। आप देखिए ये टॉप 10 जो है ये ओवरऑल एंगेजमेंट पर है जो सोशल मीडिया पर मिलती है, यानी कि इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, सब कुछ मिलाने के बाद। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंस्टा या ट्विटर का है। तो इसीलिए ये जो लिस्ट है वो बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से बनाई गई है, सब चीज़ें ध्यान रखी गई हैं। सबसे पहले टॉप 10 की बात है तो टॉप 10 फीमेल सेलिब्रिटीज में 10वें नंबर पर ईशा मालवीय का नाम आता है। ईशा मालवीय इन दिनों अपने सॉन्ग जिया लागे ना को लेकर चर्चाओं में हैं, साथ ही साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चाओं में हैं। समर्थ जुरेल से रिलेशनशिप के ब्रेकअप को लेकर भी ईशा मालवीय बहुत ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हैं। हालांकि इंटरव्यूज में वो समर्थ के ऊपर बातचीत कम करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन पार्थ के साथ उनका बज़ जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटेड हो गया है। इसीलिए इस हफ्ते आपने ईशा मालवीय को 10वें नंबर पर रखा है। आपको बता दें ईशा मालवीय और समर्थ जुरेल का ब्रेकअप हो चुका है और ये ब्रेकअप इतना ज़्यादा समीशा फैंस के लिए अनफॉर्चुनेट रहा कि वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा एडोर करते थे इन दोनों को, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली समर्थ और ईशा ने अपनी राहें जुदा कर ली हैं, अलग हो चुके हैं। और इसीलिए देखिए ईशा मालवीय और समर्थ के फैंस थोड़े से नाखुश हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, बट आपने 10वें नंबर पर ईशा को रखा है। टॉप 10 फीमेल सेलिब्रिटीज में 9वें नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रणाली राठौर का नाम आता है। अब देखिए प्रणाली राठौर का नाम आना इसीलिए बहुत बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है क्योंकि प्रणाली राठौर को ये रिश्ता क्या कहलाता है से क्विट किए हुए अब बहुत समय हो चुका है, लगभग आप कह सकते हो कि 6-7 महीने हो चुके हैं। और अभी भी प्रणाली राठौर और हर्षद चोपड़ा का जादू दर्शकों के, फैंस के, ऑडियंस के दिलों पर ऐसा छाया हुआ है, मतलब हर्षाली की जोड़ी को लोग इतना ज़्यादा अभी भी पसंद करते हैं और अभी भी उम्मीद करते हैं कि दोनों एक साथ इसी किसी न किसी नए प्रोजेक्ट में उनको नजर आ जाएं। यही क्रेज है फैंस का प्रणाली के लिए, हर्षद के लिए बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। प्रणाली राठौर को आपने 9वें नंबर पर रखा है इस हफ्ते। अब 8वें नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए टॉप 10 फीमेल सेलिब्रिटीज में अगर मैं 8वें नंबर की बात करूँ तो आपने 8वें नंबर पर किसी और को नहीं बल्कि शिवांगी जोशी को रखा है। शिवांगी जोशी भी देखे कि है टेलीविजन इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिन्होंने बड़े ही कम समय में एक अपना मुकाम हासिल कर लिया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में इतने साल उन्होंने अपना जो बेसिकली उन्होंने पूरे शो का भार अपने कंधों पर उठाए रखा। उसके बाद उन्होंने ये रिश्ता के बाद खतरों के खिलाड़ी किया, फिर डेफिनेटली अब उनके एक नया शो में भी आने की जो बातें हैं वो हो रही हैं, एंड दैट इज़ बिग बॉस OTT 3, जिसमें बात चल रही है कि शिवांगी जोशी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। उन्हें डेफिनेटली मेकर्स द्वारा ऑफर दिया गया है। शिवांगी जोशी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी चर्चाओं में रहती हैं, जैसे कि मोहसिन खान के साथ उनके रिलेशनशिप, फिर ब्रेकअप को लेकर काफ़ी चर्चे हुए, फिर कुशल टंडन के साथ शिवांगी जोशी ने सीरियल किया और अब कुशल टंडन के साथ शिवांगी जोशी को के नाम को जोड़कर देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं और ये बात सीक्रेट रखी गई है। उसके बाद अगर मैं नंबर 7 की बात करूं, टॉप 10 फीमेल सेलिब्रिटीज की लिस्ट में नंबर 7 पर आयशा सिंह का नाम आता है। टीवी इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है आयशा सिंह, जिन्होंने भले ही एक सीरियल किया है अभी तक, लेकिन उस एक सीरियल, एक डेली सोप से आयशा सिंह घर घर में छा गई हैं, घर घर में पहचानी जाती हैं आयशा सिंह। और देखिए अब बहुत समय हो गया, 1 साल का लगभग वक्त हो गया है और आयशा अभी तक पर्दे पर दोबारा से नजर नहीं आई हैं, लेकिन उनका क्रेज देख लीजिए, उनका फैंस इतना ज़्यादा लॉयल हैं वो देख लीजिए कि भाई आयशा सिंह अभी भी हर एक लिस्ट में जो है वो ट्रेंड करती हैं, हर एक लिस्ट में कहीं ना कहीं किसी ना किसी नंबर पर, रैंक पर उनका नाम होता ही होता है। तो ये आपकी फैंडम और आपकी जो आपको जितना पसंद किया जाता है उसके बारे में बताता है। कहीं ना कहीं आयशा सिंह अपने
सभी फैंस को बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाती हुई। अभी हाल ही में उनका UNI मैगजीन में भी UK टूर के बारे में पूरी खबर छपी है, तो प्राउड फील करवाती हैं। टॉप 10 फीमेल सेलिब्रिटीज की लिस्ट में नंबर 6 की बात कर लेते हैं। अब जैसे जैसे लिस्ट नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे जो है जो कॉम्पिटिशन है वो बड़ा ही ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अगर मैं टॉप 6 की बात करूँ तो देखिए, छठे नंबर पर आपने मनीषा रानी को रखा है, आपके सबके दिलों की रानी मनीषा रानी। जी हाँ, नंबर 6 पर मनीषा रानी राज करती हुई नजर आ रही हैं। वेल, मनीषा ने बिग बॉस में धमाल मचाया पहले, फिर उसके बाद झलक दिखला जा की ट्रॉफी को भी अपने नाम कर लिया, जबकि एक वाइल्ड कंटेस्टेंट के तौर पर मनीषा गई थी। और उसके बाद देखिए, मनीषा पीछे मुड़कर नहीं देख रही हैं, एक के बाद एक चीज़ें आ रही हैं मनीषा रानी के पास। प्रोजेक्ट्स, एंडोर्समेंट्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन पर्सनली भी वो थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सीज और चर्चाओं का विषय इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि एल्विश यादव के साथ उनका पीछे बहुत ज़्यादा बवाल मचा, जिस पर दोनों ने एक दूसरे के बारे में वीडियोज़ में बोला। और देखिए, इसीलिए बस इतना ज़्यादा क्रिएटेड है मनीषा रानी का कि वो छठे नंबर पर हैं। उसके बाद अगर मैं पांचवें नंबर की बात करूँ, टॉप 10 फीमेल सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट अब टॉप 5 तक आ पहुँची है, तो पांचवें नंबर पर आपने सुम्बुल तौकीर खान को रखा है इस लिस्ट में। और देखिए, सुम्बुल तौकीर खान का जलवा और उनका जादू ऐसा छाया हुआ है कि पहले सीरियल इमली, उसके बाद बिग बॉस 16, उसके बाद सीरियल काव्या, हर एक सीरियल हर एक शो में सुम्बुल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। सुम्बुल की पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, एक्टिंग तो बहुत ज़्यादा कमाल की और बेमिसाल सुम्बुल करती ही हैं, लेकिन एक्टिंग के अलावा भी सुम्बुल की उनके कोस्टार्स के साथ मस्ती कह लीजिए, धमाल कह लीजिए और इक्वेशन बॉन्डिंग कह लीजिए बहुत ज़्यादा चर्चाओं में बनी रहती है। जैसे अभी एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो मिशिका वर्मा के साथ सुम्बुल की जो जोड़ी है वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है लोगों द्वारा, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं आद्या की जोड़ी को। और देखिए, टॉक ऑफ द टाउन हमेशा सुम्बुल रहती हैं, इसीलिए आपने उन्हें नंबर 5 पर रखा हुआ है। टॉप 10 फीमेल सेलिब्रिटीज की लिस्ट में नंबर 4 की मैं बात करता हूं, तो नंबर 4 पर जिया शंकर का नाम आता है। जी हां, जिया शंकर जो कि हमेशा चर्चाओं में बनी रहती हैं, टॉक ऑफ द टाउन जिया भी बनी रहती हैं, और उसका रीजन उनकी पर्सनल लाइफ ज्यादा है प्रोफेशनल से ज्यादा। प्रोफेशन वाइज तो जिया देखिए म्यूजिक वीडियोस और अब बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम कर ही रही हैं। अभी रिसेंटली वो पीछे चेन्नई भी गई थी शूटिंग करने के लिए, लेकिन पर्सनली भी जिया शंकर को बहुत ज्यादा नाम लिया जाता है हर जगह पर। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो अक्सर जिया शंकर को बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट मिलता है। देखिए, अभिषेक मल्हान के साथ जिया शंकर को बहुत ज़्यादा जोड़कर देखा जाता है। फुकरा इंसान हो चाहे या फिर चाहे हो एल्विश यादव, हर किसी के साथ जिया शंकर बहुत ज़्यादा बज़ क्रिएट करती हैं। अभी पीछे उनकी मॉम की तबीयत खराब थी, तभी भी देखिए अभिषेक मल्हान ने उस पर भी इंटरव्यू दिया था कि उनकी बात हुई जिया से, तो हमेशा बज़ में रहती हैं जिया। नंबर 3 की बात करूं अगर मोस्ट लाइक्ड फीमेल सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में, तो प्रियंका चाहर चौधरी का नाम आता है। देखिए, सोशल मीडिया पर प्रियंका चाहर चौधरी एक ऐसा नाम है जो एक के बाद एक अपने पर्सनल रीजंस कह लीजिए या फिर प्रोफेशनल रीजंस कह लीजिए। प्रोफेशनल रीजंस में अभी आपने देखा है कि भाई कैसे उनके गाने दोस्त बनके ने इतना ज़्यादा कमाल का प्रदर्शन, इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मतलब इतना ज़्यादा पसंद किया गया इस गाने को गुरु नज़र के साथ प्रियंका चहल चौधरी के इस जोड़ी को, इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि एक गाना इतने कम समय में कम से कम 15 मिलियन के करीब पहुंच चुका है और बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से इस पर इंस्टाग्राम पर रील्स बन रही हैं। पर्सनली तो अंकित गुप्ता के साथ प्रियंका की जोड़ी को लेकर हमेशा बातें होती रहती हैं, टॉक ऑफ द टाउन प्रियंकित हमेशा बने रहते हैं। यही रीज़न है कि तीसरे नंबर पर प्रियंका चहल चौधरी का नाम इस लिस्ट में शामिल है और किसी ना किसी नंबर पर रहता ही है। नंबर 2 की बात कर लेते हैं, मोस्ट लाइक्ड फीमेल सेलिब्रिटीज की लिस्ट में नंबर 2 पर आपने किसे रखा है? वेल, ये रैंकिंग्स बेस्ड है ओवरऑल सोशल मीडिया की एंगेजमेंट के ऊपर पिछले हफ्ते की, ऑफकोर्स ये हर हफ्ते चेंज होती है। तो इस हफ्ते नंबर 2 पर वो अभिनेत्री हैं, वो एक्ट्रेस हैं जो बहुत समय तक नंबर 1 पर यानी कि नंबर 1 पर राज करती रही, एंड दैट इज तेजस्वी प्रकाश। जी हाँ, तेजस्वी प्रकाश को आपने बहुत समय तक नंबर 1 पर रखा है, लेकिन अब पिछले कुछ हफ्तों से नंबर 2 पर आ गई है तेजस्वी प्रकाश। देखिए, तेजस्वी कुछ करें या ना करें, कहीं स्पॉट हो या ना हो, ज़्यादा किसी पार्टी में मिलें या दिखें,
या इवेंट में दिखें या ना दिखें, लेकिन तेजस्वी प्रकाश का जलवा हमेशा बरकरार रहता है। फैंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तेजस्वी प्रकाश को, और उनकी जोड़ी करण कुंद्रा के साथ तो देखिए लाजवाब है। तेज रन के बहुत ज्यादा फैंस हैं और उससे भी ज्यादा फैंस तेजस्वी प्रकाश के हैं। और देखिए नंबर दो पर तेजस्वी प्रकाश हैं। तो अब आ जाते हैं हमारी नंबर वन की फीमेल सेलिब्रिटी पर, जिसे आपने इतने ज्यादा एंगेजमेंट्स दिए हैं पिछले हफ्ते, जिसके बारे में इतनी ज्यादा चर्चाएं हुई हैं, जो हर तरह से सोशल मीडिया पर छा गई है, एंड दैट इज नन अदर देन मनारा चोपड़ा। जी हाँ, मनारा नंबर एक का रैंक हासिल करती हुई एक और हफ्ते लगातार मनारा। अब देखिए क्वाइट इट्स क्वाइट टाइम जब मनारा जो है अब पिछले काफी समय से नंबर एक की जो रैंक है, वो जो नंबर एक की कुर्सी है, उसको संभाले हुए हैं। मोस्ट लाइक्ड फीमेल सेलिब्रिटीज की लिस्ट में नंबर एक पर मनारा चोपड़ा छाई हुई हैं, और देखिए पूरी तरीके से छाई हुई हैं, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, किसी इवेंट हो, उनकी ड्रेसेस के चर्चे होते हैं, उनको अवार्ड मिलता है, उनके लुक्स के चर्चे होते हैं, उनके स्टाइल के, उनके बात करने के तरीके के, एक्सप्रेशंस के, हर कोई जो है मनारा चोपड़ा की किसी ना किसी चीज के बारे में बात करता है। टॉक ऑफ द टाउन हमेशा मनारा चोपड़ा बनी रहती है, और इसीलिए आपने उनको नंबर वन बनाया है। बहरहाल आपका इसमें से फेवरेट कौन है, कौन सी एक्ट्रेस आपकी फेवरेट है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।